इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या है? तो देखो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, टू वेरिएबल्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, इसके बाद में जो दोनों वेरिएबल्स होंगे ना, उनका पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, इसके बाद में वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे मेरा ए बी एंड सी क्या होगा? आर एनी रियल नंबर्स। क्लियर? जो ए बी सी है वो क्या है? वो कोई भी रियल नंबर्स हैं। इसके बाद में तुमको एक इम्पॉर्टेंट बात समझना है इसमें, वो ये है कि जो तुम्हारा ए होगा ना, ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों? अगर देखो, तुम्हारा सपोज़ तुम्हारा ए ज़ीरो हुआ, अगर ए ज़ीरो हुआ तो ये पूरा टर्म क्या होगा? ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो बचेगा, ठीक है। अगर सपोज़ मेरा बी ज़ीरो हो गया, बी ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो देखो, ये जो दोनों है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। अगर तुमको कोई पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताओ, तो हमेशा तुमको ये जनरल इक्वेशन बताना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में है, तो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मैंने लिखा अगर फोर एम प्लस सेवन एन प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो हाँ, देखो, यहाँ पर भी टू वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगा। ओके, मैंने लिखा सेवन ए प्लस फोर बी इक्वल टू टेन, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पे टू वेरिएबल्स ए और बी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी एक लास्ट वाला मैं लिखता हूँ। सपोज अगर मैंने ऐसे लिखा तो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं। क्यों? देखो, यहाँ पे टू वेरिएबल्स तो है, लेकिन मैंने तुमको एक बात बोला था कि जो तुम दोनों वेरिएबल यूज़ करोगे ना, उसका पावर भी क्या होना चाहिए? वन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? टू है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है। दोनों वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? वन ही होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अगर तुमने ऐसे लिख लिया, समझ, सपोज फोर एक्स प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो y है ना, उसका पावर क्या है? थ्री है। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो देखो, अभी तुम्हारे बुक में हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको बताना है कि इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो फर्स्ट वाला तो है, ओके। अभी सेकंड वाला देखो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई इक्वल टू थर्टीन है। तो देखो, यहाँ पे टू वेरिएबल्स तो हैं x और y, बट जो x है ना, उसका पावर क्या है? स्क्वायर हो गया। मैंने पहले ही बोला कि जो दोनों वेरिएबल्स होंगे, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? नो लिखूँगा, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, एक्स और वाई टू वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, इसके बाद में जो एक्स का पावर है वन है, वाई का पावर भी क्या है? वन है। तो ये क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा। इसके बाद में जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में देखो, ज़ीरो एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। तो ज़ीरो एक्स दिया हुआ है, मतलब क्या? ये तो पूरा टर्म फिर ज़ीरो हो गया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा? सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो क्या है? वाई है।
सिमिलरली फिफ्थ वाला भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो वाई दिया हुआ है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेवन्थ वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई साथ में है। ठीक है, हमको दो अलग अलग चाहिए। ओके, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, साथ में है। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या सिक्स्थ वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ है। कैसे? देखो, लिखा हुआ है कि 4 upon x + 5 upon y = 4। तो मैं इसमें से 1 upon x है ना, उसको क्या लेता हूँ, u लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। 1 upon y, उसको मैं v लेता हूँ, तो ये 5v हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 4u + 5v = 4 करके। ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो इसी की बात चल रही थी ना कि 4 upon x + 5 upon y = 4, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो मैंने बोला कि जो 1 upon x है, क्या लो उसको, कुछ भी ले लो, मैंने u ले लिया। और जो 1 upon y है, मैंने क्या लिया, उसको = v लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर देखो, 4 1 upon x + 5 1 upon y = 4 हुआ। इतना क्लियर है। तो 4 1 upon x क्या है, अपना u है। 5 1 upon y क्या है, v है। = 4 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, u और v। उनका पावर भी क्या है, 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x + 3y = 9। पहला इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। क्या करना है हमको, हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को तुम क्या करो, हमेशा समझ लो। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। तो मैंने लिख लिया मेरा इक्वेशन 1, 5x + 3y = 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। इतना करने के बाद क्या करो, दोनों इक्वेशन के ना सेकेंड टर्म को चेक करो। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म सेम है तो साइन चेक करो उनका। फिर से बोलता हूँ, दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म को चेक करो। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म सेम नहीं है तो सेम करो, बट इस केस में क्या है, सेकेंड टर्म सेम है। ओके, सेकेंड टर्म अगर सेम है तो उनके साइन को चेक करो। देखो, साइन क्या है, अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर सेकेंड टर्म को तुमने क्या किया, सेम किया, सेम करने के बाद साइन चेक करो, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो देयरफॉर मैंने लिखा 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करूँगा तो जो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये कैंसिल हो गया, इधर आएगा 7x = ठीक है, तो = आ जाएगा ये 21। तो देयरफॉर x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 21/7, 7 1 ज़ा, तो x = क्या मिला, 3 मिला। ओके, अभी x = 3 मिला, इस वैल्यू को क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y = 9। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैंने x की जगह पे 3 रखा, +3y = 9। ये हो गया 15 + 3y = 9। देयरफॉर 3y = 9 - 15, तो 3y = यहाँ पे आएगा -6, बड़े नंबर का साइन। तो देयरफॉर
वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन थ्री, तो वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस टू। ठीक है, तो हमको मिल गया सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, और क्लियरली समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको दिया हुआ है कि 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इक्वल टू 22। हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और इस a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या करो, लेट करो, लेट 3a प्लस 5b इक्वल 26 को मैंने क्या किया, इक्वेशन वन दे दिया। ठीक है, इसके बाद में a प्लस 5b इक्वल 22, ये हो गया मेरा इक्वेशन, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी क्या करो, दोनों इक्वेशन को ना, दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म को चेक करो। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म सेम है, यहाँ भी 5b है और यहाँ भी क्या है, 5b है। ठीक है, इनकेस अगर सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, बट इस क्वेश्चन में क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म चेक करो, सेकेंड टर्म देखो सेम है, अगर सेकेंड टर्म सेम है तो साइन चेक करो, अगर साइन भी सेम है तो हमेशा क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। जैसे दोनों प्लस है तो भी सबट्रैक्शन करना है, अगर दोनों माइनस भी होगा तो भी सबट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, इस रूल को हमेशा लिख लो। अगर तुमको कभी भी ये सम साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा तो हमेशा ये रूल रखना कि पहले क्या करोगे, सेकेंड टर्म सेम करोगे। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म सेम हो गया तो उसके बाद में क्या करोगे, साइन चेक करोगे, क्या करोगे, साइन को चेक करना है। ठीक, इसके बाद में अगर दोनों टर्म का साइन सेम है, ठीक है, अगर दोनों टर्म का जो साइन है सेम है तो हमेशा क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अगर दोनों टर्म का साइन जो है वो डिफरेंट है तो क्या करोगे, हमेशा ऐड करोगे। ठीक है, इसको हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो। तो देखो, सेकेंड टर्म तो सेम हो गया, इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग ने साइन चेक किया, साइन भी सेम है, अगर साइन सेम है तो हमेशा क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, दोनों प्लस होगा तो भी सबट्रैक्शन करूँगा, दोनों माइनस होगा तो भी सबट्रैक्शन ही करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22, मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करूँगा तो सब साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a इक्वल टू 4। ठीक, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी। ओके, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अब a का वैल्यू 2 मिल गया, अभी इस 2 को क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकेंड इक्वेशन। तो देखो, सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, उसमें पुट कर देता हूँ। ओके, तो इधर पे लिखना है हमको, सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, इतना क्लियर हो गया, देयरफॉर मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ कि a प्लस 5b इक्वल 22 है, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 प्लस 5b इक्वल टू 22, ये 2 यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 20, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सीधा सीधा 4 मिल जाएगी। ओके, तो मुझे a और b का वैल्यू मिल गया, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर सॉल्यूशन a कॉमा बी इज इक्वल टू 2 कॉमा 4। ओके, हमेशा याद रखोगे
देखो इसको करने का क्या स्टेप होगा, दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म पहले क्या करना है, सेम करना है। अगर साइन सेम है तो सप्रैक्ट करोगे, अगर साइन अलग अलग होगा तो ऐड करोगे। ठीक है, अभी एक और सम लेते हैं, उसमें हमको प्रॉपरली समझ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू है, हमको इसको सॉल्व करना है। एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू टेन, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन। ओके, सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप लेट करो, एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू टेन, ये होगा इक्वेशन वन। उसके बाद में थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन, ये हो जाएगा इक्वेशन टू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, मैंने तो तुमको बताया था कि जब भी तुम ऐसा, तुमको ये साइमल्टेनियसली जब भी सॉल्व करना होगा तो तुमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी क्या करो, सेकेंड टर्म देखो। ठीक है, हमको क्या करना है, सेकेंड टर्म सेम करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म सेम नहीं है, तो हम सेम करेंगे। अब सेम कैसे करेंगे, तो इस टू को ना इक्वेशन वन से मल्टीप्लाई करो और इस सेवन को इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देयरफॉर मैंने लिखा है एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू टेन, ये मेरा इक्वेशन वन था। इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस टू से। ठीक है, ओके, इसके बाद में जो इक्वेशन टू है, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन। ओके, इक्वेशन सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेवन से। इतना क्लियर हो गया। तो हमको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, टू एक्स प्लस सेवन टू ज़ा फोर्टीन वाई इक्वल टू ट्वेंटी। यहाँ पे ट्वेंटी वन एक्स फोर्टीन वाई इक्वल टू फोर्टी नाइन। ठीक है, अभी देखो जो ये नया इक्वेशन मिला, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन थ्री और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फोर। ओके, तो देखो ये कुछ कुछ, अभी देखो ये प्रीवियस सम के ऐसा हो गया, कैसा देखो, सेकेंड टर्म सेम हो गया। ठीक है, अगर अभी सेकेंड टर्म सेम हो गया तो मैंने क्या बोला, फिर साइन चेक करो। अगर साइन सेम है तो तुमको सप्रैक्ट करना है, अगर साइन डिफरेंट है तुमको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, साइन डिफरेंट है, एक प्लस में है और एक माइनस पे है, तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। ओके, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, एडिंग, इक्वेशन थ्री एंड फोर। ओके, इतना क्लियर हुआ। इक्वेशन थ्री लिखा, टू एक्स प्लस फोर्टीन वाई इक्वल टू ट्वेंटी, ट्वेंटी वन एक्स माइनस फोर्टीन वाई इक्वल टू फोर्टी नाइन। ठीक है, हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते टाइम कोई भी साइन को चेंज नहीं करने का, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये मिला मुझे ट्वेंटी थ्री एक्स इक्वल टू सिक्सटी नाइन। देयरफॉर जो एक्स की वैल्यू है, देयरफॉर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सिक्सटी नाइन अपॉन ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री वन ज़ा ट्वेंटी थ्री थ्री ज़ा। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स इज इक्वल टू थ्री मिल गया। अभी जो एक्स की वैल्यू थ्री मिली है उसको क्या करो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो कोई भी इक्वेशन में, आइदर इन इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन वन में पुट करता हूँ, बिकॉज थोड़ा काफ़ी सिंपल है, मेरा कैलकुलेशन कम होगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन, तो मेरा इक्वेशन वन है एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू टेन, एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, मैंने थ्री रखा, थ्री प्लस सेवन वाई इक्वल टू टेन, देयरफॉर सेवन वाई इज इक्वल टू थ्री, वहाँ पे जाके माइनस होगा टेन माइनस थ्री, देयरफॉर सेवन वाई इज इक्वल टू सेवन, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वन आ जाएगी। ओके, तो मेरा सॉल्यूशन मुझे मिल गया, सॉल्यूशन एक्स कोमा वाई जो होगा वो क्या होगा, थ्री कोमा वन। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके,
तो ये थर्ड सम देखते हैं अभी सॉल्यूशन। लेट करो 2x-3y = 9 को इक्वेशन 1, 2x+y = 13 को इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, कोई भी एक टर्म सेम करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, मैं तो भी सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म सेम कर लूँ। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों इक्वेशन का फर्स्ट टर्म सेम है, तो मैं फर्स्ट टर्म ही देख के चलता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म अगर सेम हो गया तो उसके आगे साइन चेक करो, देखो साइन दोनों का क्या है, प्लस है। अगर दोनों का साइन प्लस है तो मैं क्या करूँगा, सबट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, देयरफॉर 2x-3y = 9 मेरा इक्वेशन 1 हो गया, 2x+y = 13 इक्वेशन 2 हो गया। मैं क्या करने वाला हूँ, सबट्रैक्शन में साइन चेंज होगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब -3y - y मिलके बनेगा -4y = +9 -13, तो यहाँ पर भी आएगा -4। तो 4 और 4 माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो जो y का वैल्यू आएगा 4/4, तो यहाँ पे क्या मिला, y = 1 मिला। ठीक है, अब y = 1 मिला, इस वैल्यू को क्या करो, सब्सटीट्यूट करो आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 सिंपल है, तो मैं y = 1 इन इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग y = 1 ठीक है इन इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकेंड है 2x+y = 13, तो 2x+y की जगह पे आएगा 1 = 13, देयरफॉर 2x = +1 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x = 12, तो x = 12/2, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, 6,1 सॉल्यूशन जो होगा वो होगा सॉल्यूशन x, y = 6,1।